नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, एस राजू ने अपने पद से दिया इस्तीफा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन थे, नैतिकता के आधार पर चेयरमैन ने दिया इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। एस राजू ने अपने पद से दिया इस्तीफा, देहरादून से बड़ी खबर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन थे, नैतिकता के आधार पर चेयरमैन ने दिया इस्तीफा। UKSSSC भर्ती घोटाले की चल रही थी जांच, इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। एस राजू ने अपने पद से इस्तीफा दिया, देहरादून से ये बड़ी खबर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन थे, नैतिकता के आधार पर चेयरमैन ने दिया इस्तीफा। तो ये बड़ी और अहम खबर आप देख रहे हैं, एस राजू ने अपने पद से इस्तीफा दिया, देहरादून से ये बड़ी खबर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन थे, नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया। UKSSC भर्ती घोटाले की जांच चल रही थी मुख्यमंत्री के निर्देश पर। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन थे, नैतिकता के आधार पर उन्होंने चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री के आदेश पर जांच इस पूरे मामले की चल रही है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के एक दिवसीय दौरे पर रहे और उधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया और कहा कि उनकी सरकार किसानों की आय को दुगुना करने में लगी है, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो पाए। इसके बाद सीएम धामी ने रुद्रपुर में कलेक्ट्रेट कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। सबसे पहले तो किसान हों, चाहे दुग्ध उत्पादक हों, फलों के क्षेत्र में काम करने वाले हों, बागवानी के क्षेत्र में काम करने वाले हों, उनको हम लोग हर प्रकार से प्रोत्साहन की योजना बना रहे हैं और साथ ही साथ जो उनका उत्पाद है उस उत्पाद को ठीक से बाजार मिले, ठीक से उनको मार्केट मिले, मार्केट तक जाने की व्यवस्था मिले, उसके संवर्धन का, प्रोसेसिंग का, सारे सेक्टरों में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। उस क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं, इसी के तहत हमने आज प्रोत्साहन राशि भी यहाँ पर दुग्ध उत्पादकों को दी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रही सरकार, ये कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। सीएम धामी का उधम सिंह नगर दौरा, इस दौरान उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन कार्यक्रम में उन्होंने की शिरकत, लोगों को संबोधित भी उन्होंने किया और कहा कि किसानों के लिए सरकार काम कर रही है और प्रदेश सरकार प्रयासरत है प्रदेश के विकास को लेकर, किसानों के विकास को लेकर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का उधम सिंह नगर का दौरा, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया, तो वहीं उत्तराखंड में महंगाई और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ शुक्रवार को राजभवन के ओर आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हाथीपड़ कला में बैरिगेटिंग लगाकर आगे जाने से रोक दिया। पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में कांग्रेसी धरने पर बैठ गए। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष पर तरह तरह से दबाव डाला जा रहा है ताकि महंगाई, बेरोजगारी समेत जन सरोकारों को लेकर प्रदर्शन न करें, साथ ही विपक्ष की आवाज दबाने को प्रतिशोध की राजनीति की जा रही है।
इस समय देश बड़ी विकट परिस्थिति से गुजर रहा है और देश के साथ साथ पूरे नागरिक भी। एक तरफ बेरोजगारी का आलम है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और बेरोजगारी का दर लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ महंगाई अपने चरम पे है, पेट्रोल डीजल गैस सभी चीज आप देख रहे हैं और खाद्य पदार्थों में भी बहुत बढ़ाई बढ़ रही है। साथ में सरकार ने दूध छाछ खुले आटे इत्यादि में जो जीएसटी लगाई, ये इस बात का प्रमाण है कि अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से खराब हो चुकी है। तो इन सभी विषयों को लेकर जो लोगों के लिए बहुत जरूरी है, आज कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन है। सरकार की जो नीतियां हैं जन विरोधी हैं और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ महंगाई देखो, भ्रष्टाचार देखो, जिस तरह से आज आसमान छू रहे हैं, लोगों की कमर तोड़ रही है, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। और ईडी ने जिस तरह से नेताओं को परेशान कर रही है, ईडी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, उसका भी हम लोग विरोध करते हैं। सरकार जब से केंद्र में बनी है तब से वो लगातार महंगाई और बेरोजगारी, किसान सबका उत्पीड़न कर रही है, व्यापारियों का। जो सरकार ये कहकर आए कि महंगाई कम करेंगे, एक साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, लगातार बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, लगातार महंगाई बढ़ते जा रही है, गरीब आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है और युवा पढ़ लिख कर निकल रहा है एक सुनहरा सपना लेकर, लेकिन वो बेरोजगार घूम रहा है। उम्र निकलती जा रही है लेकिन केंद्र सरकार जो है कि नौकरियां नहीं निकाल रही है। तो उसके खिलाफ पूरे देश भर में राजभवनों का घेराव है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का घेराव है। उसी के संदर्भ में आज हम सब कांग्रेस जन प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के नेतृत्व में, यश पलारिया जी के नेतृत्व में जो है कि विधान अपना राजभवन का घेराव कर रहे हैं, उसीलिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज देश भर में महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी, बेकारी, रोजगार, नौजवानों के खाली हाथ, काम नहीं, रोजगार नहीं, इन और जीएसटी के दायरे में जो हमारी रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं हैं, उसको भी जीएसटी के दायरे में शामिल कर लिया गया है। इसी मुद्दों को लेकर आज पूरे देश भर में और उत्तराखंड में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर कूच करने के, सड़कों पर कूच करने को बाध्य है, राजभवन कूच करने को बाध्य है, और हम जनता की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे, ये हमारा धर्म भी है और इस लड़ाई को कांग्रेस ने हमेशा लड़ा है। कांग्रेस आज आसमान छूती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और अग्निपथ योजना के खिलाफ राजभवन का घेराव करने जा रही है। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि आज राजभवन घेराव करने का अहम उद्देश्य आपका क्या है? देखिए, जिस तरह से विपक्ष का दमन किया जा रहा है देश के अंदर, जिस तरह से हमारे नेताओं की आवाज को कुचलने के लिए, बंद करने के लिए, उनको चुप कराने के लिए ईडी को, इनकम टैक्स को और सीबीआई को हथियार बनाया जा रहा है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाया जा रहा है, उसके विरोध में ये कूच है। महंगाई से जो जनता की कमर टूट रही है, बेरोजगारी से जो युवाओं के साथ छलावा हो रहा है, अग्निपथ स्कीम से जो देश की सुरक्षा पर सेंधमारी की जा रही है, उसके खिलाफ यह हल्ला बोल है। कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जितने विपक्षी दल के नेता थे, एक एक करके उनकी कमजोर नस दबा दबा कर मोदी और शाह की जोड़ी ने जिस तरह से उनके मुंह पर चुप्पी लगा दी है, उसके बाद सिर्फ अगर कोई बोल रहा है तो दो भाई बहनों की जोड़ी बोल रही है। इस देश के अंदर आप देख रहे हैं कि गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, दुखी पीड़ितों की अगर कोई आवाज बन रहा है तो वो राहुल गांधी बन रहे हैं, वो प्रियंका गांधी बन रहे हैं। इसलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, इसके खिलाफ आज हमारा राजभवन कूच है और पूरे देश के अंदर ये वृहद प्रदर्शन हो रहा है। छावनी में आपने तब्दील कर दिया, आप क्या करना चाह रहे, क्या साबित करना चाह रहे? केवल 4 और 5 लोगों की पार्टी बनकर रह गई है। हमने तिरंगा यात्रा निकालने की सोची, भारत जोड़ो सोचा 9 से 15 अगस्त के बीच में, तो फिर भाजपा को भी आज तिरंगे की सुध आने लगी है। जो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में भी न 26 जनवरी को न 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराती है। आरएसएस के आप चले जाइए मुख्यालय नागपुर में, वहाँ आज भी भगवा ही फहराया जाता है 26 जनवरी को और 15 अगस्त को। उन लोगों को अगर अनुसरण करना पड़ा है तो ये जीत है हिंदुस्तान की, ये जीत है राष्ट्रीय ताकि, ये जीत है भारतीयता की। यहाँ पर और भी कार्यकर्ता है, आप जीएसटी को भी लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्या कहेंगे आप?
देखिए आज की डेट में जो मेन मुद्दे हैं उससे भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये सारा का सारा जो रूपांतरण हो रहा है ये आम जनमानस को उनके मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है। जीएसटी से जो बेसिक हमारी फूड ग्रेड कमोडिटीज हैं, एसेंशियल FMCG है, उन पे भी जीएसटी लगा दिया जा रहा है और महंगाई की दर इतनी बढ़ती जा रही है और बेसिक कमोडिटीज पे भी जीएसटी लगा रहे हैं। तो क्या करना चाहती है सरकार? गरीब आदमी को और गरीब से गरीब किया जा रहा है और अमीरों को, उद्योगपतियों को फलने फूलने का प्रतिकूल माहौल दिया जा रहा है। ये गलत है, ये भारत की डेमोक्रेसी के खिलाफ है, हमारे लोकतंत्र के खिलाफ ये सरकार चल रही है, इसका हम खंडन करते हैं। महंगाई को लेकर भी ये प्रदर्शन हो रहा है। मैम, जाहिर सी बात है कि आप भी घर चलाते हैं, घरेलू महिलाएं तो गृहिणी है, एक महंगाई को लेकर क्या कहेंगी? देखिए मोदी राज में पहले वो बात करते थे कि इसके हम सिलेंडर के दाम कम करेंगे और महंगाई पेट्रोल डीजल के दाम करेंगे। अब देखो क्या हो रहा है, अब वो स्मृति ईरानी कहाँ है और जो सड़कों पे बैठ के इतना ड्रामा करती थी। मैं कहना चाहती हूँ मोदी जी को, अब हम मतलब उनका झोला उठा के उनको इस मतलब भगा के रहेंगे, उनको गुजरात भेज के ही रहेंगे। मैम, राजभवन घेराव कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज हम लोग जिस तरह से आपने देखा ही होगा, लगातार हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष हमारे राहुल गांधी जी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी पर जो जिस तरह से इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ईडी में उनको फंसाया जा रहा है, साफ साफ जाहिर होता है कि आज मोदी जी विकास, रोजगार और महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की जो ये बातें लेकर के आ रहे हैं। तो आज साफ साफ पता चलता है कि वो जबरदस्ती का परेशान किया जा रहा है, क्योंकि जो मेन मुद्दे हैं उन मुद्दों से हमें भटकाया जाए। आज हजारों की तादाद में यहाँ पर मुख्यालय में हम यहाँ पर देहरादून राजीव भवन में आकर के यहाँ पर हम लोग बेरोजगार के खिलाफ और इस लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ, राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी के झूठे झूठे जो इल्जाम लगाए जाए उनके खिलाफ हम राजभवन को कूच कर रहे हैं। तो आज ये हम सभी लोग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में राजभवन को कूच कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। महंगाई इस कदर है, आज महिलाएं रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। आप किसी भी चीज को उठा के देख ले, उज्ज्वला के नाम पर करोड़ों रुपए का इन्होंने घोटाला किया है और वो दोबारा जो उज्ज्वला का जो गैस सिलेंडर था वो दोबारा तक नहीं भरा पाए हैं आज भी। तो इसी तरह कई खाद्य पदार्थों की महंगाई है, तमाम चीजें। ये थी महिला कार्यकर्ता कांग्रेस की, जिनका कहना है कि ध्यान भटकाने के लिए ये कार्य किए जा रहे हैं, बेरोजगारी महंगाई बढ़ाई जा रही है, साथ ही साथ इसलिए राजभवन का घेराव किया जा रहा है। कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ मैं हिमांशु बरमला, हर खबर देहरादून। इस दौरान कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हिमांशु बरमला ने। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी मौजूद हैं और आज कांग्रेस राजभवन घेराव करने जा रही है, इसको लेकर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है और प्रवक्ता क्या कुछ कहेंगी इससे बातचीत करते हैं। आज आप राजभवन घेराव करने जा रहे हैं, क्या परिस्थितियां हैं कि आज आपको ये करना पड़ रहा है? परिस्थितियां बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आज़ादी से पहले की थीं। उस समय हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई करी, देश को गुलामी से आज़ाद कराया, लेकिन आज आप देखिए जिस तरह से विपक्षी नेताओं का दमन किया जा रहा है, कुछ ओवर हो रहा है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि बाकी सबको तो चुप्पी छा गई है। आप देखिए आज मायावती कहीं नहीं है, आप देखिए आज ममता कहीं नहीं है, आज अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी लगातार हमलावर हैं, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, जिस तरह से मुखर रूप से वो कर रहे हैं विरोध सत्ताधारी दल का, उसको देखते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि निश्चित तौर पर इस वक्त ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी की, इस देश को भी, और व्यापारी, किसान, मजदूर जिस तरह से परेशान हैं उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि आज की जो मांग है वो यही है कि सारे जो नागरिक हैं वो भी, जनता भी हमारे साथ जुड़े, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, अग्निपथ जो स्कीम है उसको लेकर, ये हमारा आज का कूच है। भले ही धारा 144 लगा दी गई है कूच की, हमको मनाही है, लेकिन पूरे देश में आज ये वृहद प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। छावनी में तब्दील हमारे नेताओं को, शीर्ष नेताओं के आवासों को क्या कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो दमनकारी नीति है या जो तानाशाही रवैया है सत्ताधारी दल का, वो सर चढ़कर बोल रहा है, इनका अहंकार, इनका घमंड चूर होना चाहिए। और ऐसे में आज जो जनता त्रस्त है, जिसकी कमर टूट चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से, उसको भी हमारे आह्वान के साथ जुड़ना चाहिए, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह से भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता बरमोला ने, क्या कुछ कहा प्रीतम सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं।
इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रीतम सिंह, इन्हीं से पूछते हैं कि आज कांग्रेस जो राजभवन घेराव कर। देखिए आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस राज्यपाल आवास घेराव करने का काम कर रही है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इस देश और प्रदेश के लोगों से वादा किया था कि हम महंगाई को भी कम करने का काम करेंगे और साथ ही साथ बेरोजगार साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे। इन दोनों ही वादों में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है, इसलिए हमारी राष्ट्राध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कांग्रेसजनों का आह्वान किया है और उस आह्वान पर आज जो है देहरादून अस्थायी राजधानी में कांग्रेसजनों का जो है राज्यपाल आवास पूछ है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना से भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता। कांग्रेस आज राजभवन घेराव करने जा रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए सरकार जिस प्रकार से जनता की तकलीफों से आंख मूंदे हुए है, ये हमारा लोकतांत्रिक कर्तव्य बनता है कि हम सरकार को मजबूर करें आंख खोलने पर। महंगाई चरम पर है, आम आदमी परेशान है। मैं समझता हूँ कि इस हमारे देश में जो एक आम दिहाड़ी मजदूरी की जो दर है, उस दर में एक दो वक्त का आदमी खाना नहीं खा सकता, अपने परिवार को कैसे पालेगा? आज गैस का सिलेंडर कहाँ पहुँच गया, तेलों के दाम कहाँ पहुँच गए, अनाज के दाम कहाँ पहुँच गए, आटा खाने की चीज़ों पर GST लगा है और उस पर उसके बावजूद सरकार चेत नहीं रही है। तो आज हम सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि सरकार चेतेगी। हल्द्वानी में नगर निगम की सिटी मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम ने वर्कशॉप लाइन में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही के दौरान कई लोगों के चालान भी काटे गए। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि लोगों को पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाने को लेकर बताया गया था, लेकिन लोगों ने लगातार अवैध रूप से ठेले लगा रखे थे। इसी को देखते हुए उन्होंने अवैध रूप से संचालित किए जा रहे ठेलों को कब्जे में ले लिया। वहीं उन्होंने बताया कि पूर्व में की गई कार्रवाई के बाद सभी ठेला लगाने वाले व्यापारियों को वेंडिंग कार्ड दिए गए थे, लेकिन जब कार्रवाई के समय उनसे वेंडिंग कार्ड मांगे गए तो व्यापारी कार्ड दिखाने में असमर्थ रहे, जिसको देखते हुए चालान काटे गए। मैं आपको बताऊं, अतिक्रमण के हम हमेशा विरोधी रहे कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए कुछ, लेकिन हमने समय समय पर नगर निगम से मांग की है कि ठेले वाले को वेंडर जोन दिया जाए, लेकिन वेंडर जोन की व्यवस्था नहीं गई, इसलिए ये लोग भी परेशान है। लेकिन अतिक्रमण का व्यापार मूल्य कभी समर्थन नहीं करता है, व्यापार मूल्य कभी अतिक्रमण के साथ नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी हद हमारे व्यापारी पार कर रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब थोड़ी सी हमारा व्यापारी पार कर रहा है। इसलिए मेरे व्यापारी से निवेदन है कि व्हाइट लाइन के अंदर रहें और नगर निगम से ये मेरा आग्रह है कि ठेले वालों को वेंडर जोन की व्यवस्था कराएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उत्तराखंड में उत्पादित सामान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात के लिए जा रहे वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर 1.5 टन तो इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग के लिए गुणात्मक बढ़ोतरी होगी, साथ ही उत्पादन को कैसे अच्छी मार्केटिंग मिले इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों की आजीविका को बढ़ाने के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाओं को और प्रभावी बनाने के लिए कृषि कैलेंडर भी बनाया गया है। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि उन्होंने कि नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड सरकार पूरे प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश सुनील राठी के नाम पर सर्राफा कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले मुख्य आरोपी प्रदीप चौहान के साथ ही 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि प्रदीप चौहान यूपी के बिजनौर जिले का रहने वाला है।
और प्रदीप ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से 26 जुलाई की शाम को सर्राफा कारोबारी पर गोली भी चलाई थी। गनीमत रही कि गोली सर्राफा कारोबारी के लैपटॉप में लगी जिससे उसकी जान बच गई। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि प्रदीप चौहान को एक मामले में फैसले के लिए रुपयों की आवश्यकता थी, इसलिए उसने हरिद्वार के ज्वेलर के मालिक से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने की योजना बनाई। ये 26 तारीख की रात्रि को जिस दिन मेन कांवड़ भी था उस दिन एक जो प्रतिष्ठित यहाँ के ज्वेलर हैं उन पर एक फायर किया गया था और उसका अगले दिन उस फायर का रेफरेंस देते हुए उनसे एक कुख्यात के नाम पर फिरौती मांगी गई थी। क्योंकि ये एक सनसनीखेज घटना थी तो इसको बड़ी गंभीरता से हम लोगों ने लिया और 4 टीमें लगातार इसमें काम कर रही थी। पूरे एक लगभग सप्ताह के प्रयास के बाद, उससे भी अधिक के प्रयास के बाद अंततः पुलिस के हाथ सफलता लगी है और इसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो और उसके साथ 4 और सहयोगी 5 लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। जीएसटी में संशोधन की मांग को लेकर होटल व्यवसायियों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, साथ ही साथ जल्द जीएसटी में संशोधन नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। आपको बता दें कि होटल में 1,000 रुपए से कम किराए का कमरा लेने पर 12% और महंगे कमरों पर 18% जीएसटी देने का नियम लागू किया गया है, जबकि कई छोटे उद्योगों पर भी सरकार ने जीएसटी लगा दिया है। मुख्य रूप से जीएसटी के दायरे में आने से खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं। वहीं दूसरे राज्यों की अपेक्षा उत्तराखंड में 20 लाख रुपए सालाना का टर्नओवर करने वाले व्यापारियों को जीएसटी के दायरे में रखा गया है, जबकि अन्य राज्यों में ये दायरा 40 लाख का है। इन सभी बिंदुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आकर्षित करते हुए होटल व्यवसायियों ने जीएसटी में संशोधन करने की मांग की है। 1,000 से नीचे होटलों पे जीएसटी लगाया गया है वो बहुत ही डाउन प्रोवाइडिंग परेशानी भरा काम है, क्योंकि हम अगर किसी को 500 रुपए में कमरा देते हैं तो हमें उसमें 60 रुपए वसूल करके सरकार को देने, तो हमें क्या बचेगा, हम सरकार को क्या देंगे। छोटे छोटे जो ठहरने वाले आते हैं मरीजों के साथ, उनको बड़ी तकलीफ होगी इस टैक्स को देने में और हम जेब से भर नहीं पाएंगे। और इसके साथ साथ ये जी हमने जो वित्त जो हमारे प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, उनको भी ज्ञापन दिया था जिसमें हमने साफ साफ लिखा है, ये एक उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जो 20 लाख तक व्यापार जो व्यापारी करता है वो जीएसटी के दायरे में आता है। जहां पर पीजी कॉलेज के छात्रों का हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि ऋषिकेश में पीजी कॉलेज के छात्रों ने हंगामा करते हुए कॉलेज में ताला लगा दिया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाया है कि परीक्षा परिणामों में लापरवाही के चलते 60-70% छात्रों को फेल कर दिया गया, जिससे छात्रों का भविष्य बर्बाद होता दिखाई दे रहा है। छात्रों ने दोबारा से परीक्षा की कॉपियां चेक करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो छात्र कॉलेज प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। अभी हाल फिलहाल में एवीपीजी कॉलेज के इसके और सेमेस्टर के बच्चों के रिजल्ट आए हैं, जिसको लेके बच्चों में काफी आक्रोश है, क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा हद तक फेल है। 60% से 70% बच्चों के रिजल्ट फेल में आए, उसी को लेके आज विरोध में हैं बच्चे सारे और वीसी के घेराव करने के लिए आ रखे हैं। अगर मांगे बच्चों की मांगे ये है कि जल्द से जल्द या तो प्रमोट किया जाए या तो स्पेशल बैग की कोई सुविधा रखी जाए, वरना आगे चल के इस आंदोलन को उग्र की तरह दिखाया जाएगा। कल भी माननीय वीसी महोदय को बच्चों के द्वारा घेराव किया गया था, उनसे बात करने की कोशिश की गई थी, पर वीसी महोदय द्वारा बच्चों को धक्का मुक्की करके उनको हटा के अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शन पे इसलिए बैठ रखे हैं, यहाँ पे बच्चों की बैक आ रखी है, बच्चे फेल हैं। जिस तरीके से बच्चों को अंक मिलने चाहिए थे उस तरीके से बच्चों को अंक नहीं प्राप्त हुए हैं। हम 1 महीना पढ़ाई हुई है, 2 महीना पढ़ाई हुई है, ये हमें भी पता है, पर हमने बहुत कोशिश करी कि चाहे तो हम भी अच्छे से अच्छा इस रिजल्ट में प्राप्त कर सकते हैं, पर हमें ऐसा प्राप्त नहीं हुआ इस रिजल्ट में। हमें क्या करना चाहिए, हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए। प्रिंसिपल ने हमसे वादा किया कि हम 11 बजे अपने ऑफिस में रहेंगे। चलिए फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।